स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं। शुक्रवार को जहां सेमीफाइनल मुकाबले में रॉजर फेडरर ने स्पेन के राफेल नडाल को हराया, वहीं नोवाक जोकोविच ने स्पेन के रॉबर्टो बॉटिस्टा अगूट को मात दी। लंदन में चल रहे साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में जहां रॉजर फेडरर ने स्पेन के राफेल नडाल को हराया, वहीं दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने स्पेन के रॉबर्टो बॉटिस्टा अगूट को मात दी। बात फेडरर की करें तो फेडरर और नडाल का ये मैच 3 घंटे 2 मिनट तक चला और फेडरर ने नडाल को 7-6, 1-6, 6-3, 6-4 से मात दी। इस जीत के साथ ही फेडरर 12वीं बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। फेडरर ने 8 बार विंबलडन का फाइनल जीता है, जबकि 3 बार वो उपविजेता रहे हैं। बात जोकोविच की करें तो सेमीफाइनल मुकाबले में जोकोविच ने स्पेन के रॉबर्टो बॉटिस्टा अगूट को हराया है। 2 घंटे 48 मिनट तक चले इस मैच में जोकोविच ने 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही जोकोविच 6वीं बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच इससे पहले 5 बार 2011, 2013, 2014, 2015 और 2018 में विंबलडन का फाइनल खेल चुके हैं, जिसमें सिर्फ 1 बार उन्हें हार मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।